हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मनीषा और आप सभी का हमारे चैनल चलो लर्न करते हैं में स्वागत है। तो आज भी मैं फ्लैश कार्ड बनाना ही बताऊंगी, पर कुछ नए आइडियाज़ और तरीकों के साथ। तो जो मैंने फ्लैश कार्ड का बेस बनाना बताया था मेरी पहले वीडियो में, फ्लैश कार्ड के पहले वीडियो में, उसका मैं लिंक ऊपर डाल दूंगी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं लिंक डाल दूंगी और ऊपर आई बटन में भी। प्लीज़ आप इसे चेक ज़रूर करिएगा। इसमें बस मैंने A4 साइज के पेज को लेकर के 4 तक मोड़ दिया है, ठीक है। और फिर उसे कट करके, कैंची से कट करके 4 पार्ट हो जाएंगे उसके, बस इतना बड़ा बनेगा। लेकिन हम डेकोरेट इस तरह से करेंगे, ठीक है। अगर मैं इसकी चौड़ाई बताऊं यानी ब्रेथ बताऊं तो 9.5 सेंटीमीटर करीब इसकी चौड़ाई होगी और इसकी लंबाई होगी लगभग 13 सेंटीमीटर, ठीक है। लगभग 13 सेंटीमीटर इसकी लंबाई हो जाएगी और इसे चिपकाएंगे हम मोटे कूट में या फिर जो बच्चों के पुराने बुक्स होते हैं उनके कवर को फाड़कर कवर में भी हम चिपका सकते हैं जिनका काम नहीं होता है। अब आप इसमें क्या करें, छोटा सा कलर पेपर ले लें, ठीक है, और उसे कट करके हम इसमें लगा देंगे, ठीक है। ये देखिए, ये मैंने यहाँ पर कलर पेपर लिया, उसे मैंने काट लिया है। ये पेपर एक्चुअली स्क्रैप बुक का था, तो स्क्रैप बुक से भी आप कट करके ले सकते हैं। इसकी चौड़ाई जो है वो, इसकी चौड़ाई करीब 7.5 सेंटीमीटर है और लंबाई इसकी 11 सेंटीमीटर है, ओके। चाहे तो आप कितने भी, जो हमारा वाइट सीट है उसे आप उसके हिसाब से ही आप अपने कलर पेपर को भी रखिएगा, ठीक है। अब हम इसे डेकोरेट करेंगे। पहले इसे मैंने चिपका लिया है ग्लू से, अब हम इसमें डेकोरेट करेंगे। ये देखिए, आप चाहे तो इसमें सेलो टेप भी ले सकते हैं, डेकोरेशन वाला जो सेलो टेप होता है, चाहे ये लेस भी ले सकते हैं, ठीक है। लेस है कि अगर आप हमारी साड़ी में, साड़ियाँ बहुत अच्छी अच्छी होती हैं, किसी में साड़ी तो पुराने हो जाते हैं पर लेस वगैरह चाहे कढ़ाई का जो काम हो तो वो एकदम सही रहता है, तो हम उसका कट करके भी ले सकते हैं। और इस तरह से मैंने ये लेस लिया है और उसे मैं चिपका दूँगी इस तरह से। ये देखिए, यहाँ मैंने स्टेपलर की भी हेल्प ली है, तो आप चाहें तो स्टेपलर का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो चाहे तो आप इसे सेलो टेप से भी चिपका सकते हैं या फिर ग्लू से भी चिपका सकते हैं और या फिर आप स्टेपलर से भी पिनअप कर सकते हैं, ओके। ये देखिए, मैंने यहाँ पर स्टेपलर से ही पिनअप किया है। देखिए यहाँ पर ये मैं फ्लैश कार्ड बना रही हूँ एक्चुअली किड्स के लिए, जैसे A4 एप्पल B4 बॉल वाला ये फ्लैश कार्ड मैं बना रही हूँ। तो आप ऐसे फ़ोटो जो है वो कट कर सकते हैं वैसे बुक्स से जो कि बच्चों के काम में नहीं आते हैं, ठीक है। तो वैसे बुक से आप ऐसे फ़ोटोज़ कट कर सकते हैं या फिर मार्केट से भी ऐसे बुक मंगवा सकते हैं, उन्हें भी आप कट कर सकते हैं या फिर नेट से भी आप निकाल सकते हैं। तो इस तरह से आप बस, आप देखिए आपको कहाँ सूटेबल, कहाँ सहूलियत रहेगा, वहाँ से आप फ़ोटो ले लें और फिर आपको इस तरह से चिपकाना है। ये देखिए, मैंने एप्पल का ही फ़ोटो लिया है और मैं इस तरह से चिपका दूंगी। ज़रूरी नहीं आप स्क्वायर शेप में भी कट कर सकते हैं, मैंने इसी तरह से कट किया है, स्क्वायर शेप में तो कट नहीं किया है, पर आप स्क्वायर शेप में कट करके चिपका सकते हैं। ये मैंने इस तरह से चिपका दिया है, ओके। और अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे ए। ए भी आप बच्चों के जो पुराने बुक्स हो तो उससे भी कट करके ले सकते हैं। अगर आप चाहते हैं फ्लैश कार्ड ज़्यादा अच्छा बनाना, अट्रैक्टिव बनाना, तो वहाँ जो ए बी लिखा रहता है उससे भी कट कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर मार्कर से ही ए लिखूँगी। यहाँ मैं ए लिख दूँगी, A4 एप्पल। ये देखिए, ये ब्लैक मार्कर है। और अब एप्पल की अगर स्पेलिंग भी रहेगी तो वो बहुत सही रहेगा। जो बच्चे जिन्हें स्पेलिंग नहीं पढ़नी है वो केवल A4 एप्पल ही बोलेंगे, लेकिन जो थोड़े बड़े हैं जिन्हें स्पेलिंग पढ़नी है वो, उनके भी ये फ्लैश कार्ड ही काम आ जाएगा। तो यहाँ हम देखिए, कलरफुल जितना बनाएंगे फ्लैश कार्ड को वो बच्चे उतने ही मज़े लेकर पढ़ेंगे। तो मैंने एप्पल ब्लू कलर से किया है कलर और स्टार भी मैं लगा दूँगी जिससे और अट्रैक्टिव और अच्छा लगे हमारे फ्लैश कार्ड, और बच्चे मन लगा करके करेंगे पढ़ाई भी इस तरह से। इस तरह से पूरा स्टार में लगा दूंगी। ये देखिए कैसे साइन कर रहा है। अब हमें बड़े बच्चे हैं तो कुछ वर्क भी देना है जो हम यहाँ देंगे। अब बच्चे अगर छोटे हैं तो A4 एप्पल उन्होंने पढ़ लिया, और थोड़े बच्चे बड़े हैं तो उन्होंने एप्पल की स्पेलिंग भी याद कर ली, अब उन्हें लिखना भी है, तो वहाँ इन्हें हम
एक बॉक्स बना के देंगे। ये देखिए मैंने इस अलग से एक पेपर कट किया है, कलरफुल पेपर है, और यहाँ पर मैं थोड़ा मार्क कर देती हूँ कि लिखना होगा इन्हें, एप्पल की स्पेलिंग लिखनी होगी। तो यहाँ पर मैं देखिए मैंने मार्क कर दिया ए पी पी एल, और ई इधर हो जाएगा। अब ये क्या है, तो ये इसमें क्या करेगा बच्चा, जब हम इसे चिपका देंगे तो एप्पल की स्पेलिंग लिखेगा भी, ठीक है, ए पी। तो इस तरह छोटे छोटे बॉक्सेस बना दिए मैंने, जिससे बच्चा इसी में, इसी कार्ड में लिख भी पाए, जिससे बच्चे का लर्निंग पावर बढ़े और अच्छे से पढ़े वो। अब मैं इसे क्या करूँगी, या तो पूरे में कवर कर दूँगी जिससे गंदा होने से भी बचेगा, या फिर केवल इस पार्ट में मैं कवर करूँगी, ठीक है, इस तरह से, जिससे बच्चा जो लिखे तो वो आराम से मिट भी जाए, यानी हम उसे पोछ भी पाएँ। तो इस तरह से मैं सेलो टेप यहाँ पर अभी चिपका रही हूँ, पर अगर मन होगा मेरा तो पूरे में भी चिपका दूँगी। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर ये टेप चिपका दिया। अब बच्चे क्या होंगे, इसमें लिखेंगे, यहाँ पर तो सेलो टेप लगा है, जैसे मैंने देखिए इस तरह से अगर मैं ए लिख दूँगी, ए मैंने लिख दिया है, तो आराम से मैं इसे पोछ भी सकती हूँ, ठीक है। इस तरह से मैंने क्लीन कर दिया इसे, तो बच्चा इसमें आराम से एप्पल की स्पेलिंग लिखेगा, और फिर वो क्लीन भी कर सकते हैं हम, और फिर बच्चा दोबारा भी उसमें लिख सकता है। लेकिन आप चाहे तो सेलो टेप ना भी दे, उसे आप पेंसिल से बोले लिखने के लिए, ये आपके मन पर है, ओके, ये आपके मन पर है कि आप उसे पेंसिल से अगर देते हैं लिखने के लिए, तो आप सेलो टेप हटा दें, उसकी कोई ज़रूरत नहीं रहेगी। यहाँ तो बस अगर हमें पूछना है ताकि ये फिर से कर पाए, फिर से लिख पाए, तो सेलो टेप लगा देंगे, जैसा होगा मन वैसा हम काम करेंगे, ओके। एक्चुअली होता क्या है कि जब बच्चे पेंसिल से गड़ा कर कभी कभी लिख देते हैं एकदम दबा करके, तो उसके जो छाप है वो उभर जाते हैं, तो इससे हमें डर बना रहता है कि बच्चे ने तो बस उसी पे पेंसिल चला दिया। बस इसी के लिए मैंने सेलो टेप लगाने के लिए बताया था कि सेलो टेप हम लगा करके भी इस तरह से हम बच्चों को दे सकते हैं उसके ऊपर लिखने के लिए। ये ए फॉर एप्पल, और हो गए एप्पल की स्पेलिंग। अब चाहे तो हम इसमें वेजिटेबल्स नेम भी कुछ भी चिपका सकते हैं, इस तरह से हम कुछ भी इसमें बना सकते हैं और बच्चों को पढ़ा सकते हैं, ओके। तो आई होप फ्रेंड्स मेरा ये वीडियो आप पसंद आया होगा, प्लीज़ पसंद आया होगा तो लाइक ज़रूर करिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा मेरे चैनल को, जो कि रेड कलर में है उसे आप प्रेस कर दीजिएगा, और बेल बटन भी ज़रूर प्रेस करिएगा जिससे मैं जो भी वीडियो डालूं वो आप लोगों तक तुरंत पहुंचे। और मेरा ये पार्ट वन जो वीडियो है, मेरा फर्स्ट वीडियो जो है फ्लैश कार्ड के ऊपर, वो ज़रूर आप देखिएगा, ओके। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।